हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा पहला ब्लॉग है जो कि मोतिहारी चंपारण का जो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन है उस पे है। आज से करीबन 3 साल पहले जो स्टेशन का जो दृश्य था, जो स्टेशन का जो आपका कायाकल्प था वो बहुत ही अलग था। ये झंडा आप देख रहे हैं वो 26 जनवरी, इसी 26 जनवरी को फहराया गया है। देख सकते हैं आप लोग कैसे लहर रहा है। ये 100 फीट का झंडा है जिसको राधा मोहन सिंह, जो कि पूर्वी चंपारण के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा फहराया गया है। और जो स्टेशन का आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा लगभग 3 या 4 साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। यहाँ पे मुख्य दो द्वार हैं। पहला द्वार, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्री करते वक्त ही आपको ये पहला द्वार यहाँ पे दिखाई देगा, और दूसरा द्वार वहाँ पे है, इसे देख सकते हैं आप लोग। और एक खासियत इस स्टेशन की ये है कि ये केसरिया वाइट एंड ग्रीन, यानी कि जैसे तिरंगा का कलर होता है वैसे यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये मोतिहारी के विकास के लिए एक अग्रसर हो रहा है। जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सबसे पहले जब महात्मा गांधी आए थे 1917 में, तो मोतिहारी का स्टेशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मोहनदास से महात्मा सन 1917, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, जो कि हमारे माननीय मोदी जी द्वारा जो सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का जो सफ़र चलाया गया है 2017 में, जो कि 100 साल बापू का जो ये चंपारण में जब वो आए थे तो उसका हम लोग मनाया है। और 150 साल जो हमारे बापू का जो जन्म तिथि है, जब से उनका जन्म हुआ है और आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं, 150वीं वर्ष उनका। चंपारण में आपको एक खासियत मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मोतिहारी स्टेशन के एकदम सामने आपको दो मंदिर दिखाई देंगे, एक हनुमान मंदिर और दूसरा जो है वो साई मंदिर। अभी जो है मंदिर को, जो मूर्ति को है वो ढका गया है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक पर आ रही है, और यही गाड़ी 75 गांधी जी के जो जमाने का जो तस्वीर ये है बनकर बापूधाम चंपारण में उनके के लिए प्रस्थान करेगी। पूरे भारत में देखेंगे कि आपको गांधी जी का जो है वो बूढ़े में ही उनका स्टैचू मिलेगा, लेकिन यहाँ जो चंपारण में है आपका सिर्फ और सिर्फ ये उनके जवानी का जो है वो तस्वीर और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देख सकते हैं उनके 3 बंदर, देख सकते हैं क्या सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह 1917 से 2017। ये रात का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये झंडा देखिए कितना अच्छा हवा में जब ये होता है, अभी कुछ कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे, इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेंट वेंट लगाया गया है। अब हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर का नज़ारा देखेंगे, तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। जैसे ही हम लोग महात्मा गांधी बापूधाम रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको सामने दिखेगा कि ये अनरिजर्व्ड आपको टिकट काउंटर मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे कि आपको तरह तरह का बापू का जो फोटो है, बापू का जो आर्ट ये है फोटो, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है 3D में।
आप सब देख सकते हैं। सत्याग्रह के 100 साल चंपारण, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि LCD लगा हुआ है यहाँ पे, बापू के बारे में दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा कैसा यहाँ पे चित्रों के माध्यम से कैसे दर्शाया गया ये चंपारण। यहाँ पे LCD लगा हुआ है ताकि आप जो ट्रेन आ रही है जा रही है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इंक्वायरी ऑफिस भी है बगल में, ये सब फोटो देख सकते हैं। कितनी अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ पे बिखेरा गया है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मतदाता जागरूकता केंद्र भी है, कि जो मतदान देना कितना ज़रूरी है इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कुछ महात्मा गांधी बापू के शब्दों को यहाँ पे, उनके जीवन शैली जो चंपारण में थे उनके बारे में बताया गया है। मैं हर एक फोटो का, हर एक वीडियो को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं इसका एक फ़ोटो भी बना दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं, बापू धाम मोतिहारी में लगभग दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2। और मुजफ्फरपुर से जो ट्रेन आती है वो गोरखपुर तक जाती है और इसका मेन रूट यही है, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर, ये दोनों जगह को जोड़ता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा स्टेशन है वो CCTV कैमरा में है, CCTV कैमरा में है। अब आते हैं बापू धाम मोतिहारी के दूसरे जो है आपका, जो कि एग्जिट डोर है, यहीं से लोग बाहर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निकास, और यहाँ पे देखिए कैसी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। बापू धाम मोतिहारी का जो स्टेशन है वो एक देखने का, एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे उभर के आया है। आप सब देख सकते हैं, ये देखिए LCD। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे, वो देखिए 1 नंबर का जो गेट है वो आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए झंडा लगा हुआ है। चलिए आइए अंदर आते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर टू पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो बहुत अभी आगे तक है लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अब चलेंगे हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने का रास्ता, यहीं से हम लोग चलेंगे 2 नंबर पे। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा कही गई हैं। आप सब देख सकते हैं कि वहाँ तक पूरा आगे तक लिखा हुआ है। उनका जो ज्ञान था अहिंसा, स्वच्छता के बारे में सब लिखा गया है और
यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है वो दुकानें जो हैं वो मैक्सिमम बंद रहती हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 का यूज़ जो है वो मैक्सिमम नहीं हो पाता है। ये देख सकते हैं आप लोग झंडा जो कि सॉफ्ट फहरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग चंपारण गांधी जी का। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आपको जो है रिजर्वेशन का जो टिकट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आपको मिलता है, वहीं से आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और महात्मा गांधी बापूधाम जो है, बापूधाम स्टेशन, वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, फिलहाल अभी तो बंद है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं महादेव को। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक विशाल पेड़ भी है। अभी आगे आते हैं तो फिर हम आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे कि बापूधाम मोतिहारी स्टेशन बाहर से कैसे दिखता है। आगे जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं बकायदे आपको ठंडा पानी पीने के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए स्वच्छता का आपको डस्टबिन यूज़ करने के लिए भी बताया गया है। और चंपारण ही एक ऐसा जगह है जहाँ से जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, हमारे चौकीदार, वो सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह की ओर जो एक मुहिम है वो शुरू किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छा बापू का स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है, आसपास में पेड़ है, कितना ही अच्छा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आप लोग, चलिए अब हम बाहर देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर का क्या दृश्य है वो देखते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के गेट के बाहर जब हम लोग निकलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, 1, 2, 3, एक अनरिजर्व्ड है, बाकी 3 रिजर्वेशन के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। अब जैसे ही बाहर आएंगे हम लोग तो बाहर जब आएंगे तो देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप आएंगे तो ये हमारा इतना बड़ा पार्किंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। ये शिव मंदिर है, ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है, और वहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का झंडा जो है वो लहरा रहा है। आज के वीडियो के लिए, आज के ब्लॉग के लिए, ये मेरा पहला ब्लॉग था मोतिहारी बापूधाम स्टेशन का। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि मोतिहारी से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड ऐसे ही ब्लॉग्स और नॉलेजफुल वीडियोस आती रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और ये जो मोतिहारी है हमारा, मोतिहारी शहर जो है वो विकास की ओर अग्रसर है, तो विकास की ओर अग्रसर है और हमें और भी ऊंचाइयों तक इस मोतिहारी को ले जाना है। इसी बात को कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूं, और मैं जाते जाते बोलना चाहता हूं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।